पुडला और नारियल की चटनी बनके रेडी हो गई है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ पुडला। छाछ के साथ सूजी को मैंने घंटे पहले भिगा दिया है। मैंने इसको 2-3 घंटे पहले भिगाया है और मैं इसमें अदरक लहसुन और मिर्ची का कूट के पेस्ट बना दिया है दरदरा सा। और मैं इसमें नमक ले रही हूँ और मैं इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी और मैं इसको भी मिक्स करूंगी। अगर मुझे थोड़ा गाढ़ा लगेगा तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी और इसको थोड़ा सा पानी इसमें डालना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत गाढ़ा घोल हो गया है। जब मैं बनाऊंगी तो थोड़ा सा डाल दूंगी पानी और मैं इसमें थोड़ा सा डाल दिया है और इसको भी फेंट देती हूँ अच्छे से और इसको भी मैं फेंट रही हूँ और मैं भी साइड में रख देती हूँ और मैं भी गैस चालू कर दी हूँ और तवे को रखती हूँ और इस पर थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ जिससे चिपके नहीं पुडला। और मैं इसको भी थोड़ा सा गर्म करूँगी तवे को और इस पर थोड़ा सा पानी का छींटा मार रही हूँ और मैं इसको कपड़े की सहायता से पोंछ दूँगी तेल, नहीं तो पुडला डालते समय फिसलता है। और अभी थोड़ा सा और गर्म हो जाएगा, उसके बाद में इस पर हल्का सा तेल लगा रही हूँ, ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ। और मैं भी घोल डाल रही हूँ तवे पे और हल्के हाथ से इसको अच्छे से डोसे जैसा शेप देके बना रही हूँ और बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। देखो कितना अच्छा सा बन रहा है और मैं स्लो स्लो हाथ से बना रही हूँ और अभी थोड़ा सा इसको और पका दूंगी। नीचे से थोड़ा सा ब्राउन दिखने लगा है, 2 मिनट और थोड़ा सा पक जाए उसके बाद मैं इसको पलट दूंगी और इस पर थोड़ा सा तेल भी लगा दूंगी ऊपर से। वैसे तो चिपकेगा नहीं, फिर भी मैं थोड़ा सा तेल इस पर लगा दूंगी। आप इसमें सब्जी भी ऐड कर सकते हो, मैंने कुछ नहीं डाला है, मैंने सिर्फ लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट ही डाला है, वो भी अच्छा लगता है सब्जी के साथ ही। और इसको भी पलट रही हूँ और देखो कितने अच्छे से निकल रहा है। मैं इसको भी पलट के अच्छे से सेक लूँगी और खाने में बहुत टेस्टी लगता है नारियल की चटनी के साथ। इसको ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं और इसको थोड़ा सा और मैं भी सेक लेती हूँ अच्छे से। इसको ज़्यादा पकाना कोई ज़रूरी नहीं है, किसी किसी को अच्छा लगता है कुरकुरा सा। मैं इसको अच्छे से सेक ले रही हूँ और लगभग हो गया है, अभी थोड़ा सा मैं सेक लेती हूँ। उसके बाद मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी और मैं इसको भी प्लेट में निकाल रही हूँ और मैं भी चटनी बनाऊंगी। तो मैंने अभी गैस पे चढ़ा दिया है बाउल को और मैं इसमें तेल ले ली हूँ, गैस को मैंने चालू कर दिया है और अभी तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। उसके बाद मैं राई ले रही हूँ और अभी तेल ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा गर्म हो रहा है। मैंने गैस को भी फास्ट कर दिया है और अभी राई चटकने लगी है। मैं इसमें जीरा ऐड कर रही हूँ, ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है पुडले के साथ।
और थोड़ा सा भी ब्राउन हो जाएगा जीरा। तो उसके बाद में इसमें कड़ी पत्ता और लाल मिर्च बड़ी वाली वो भी ऐड करूंगी। और अभी हल्का सा ब्राउन होने लगा है, आप इस पे सफ़ेद तिल भी ले सकते हो लेकिन मैंने नहीं लिया है। और अभी लगभग ब्राउन हो गया है तो इसमें कड़ी पत्ते डाल रही हूँ और लाल मिर्ची बड़ी वाली, और थोड़ा सा इसको मैं पका लूँगी अच्छे से। उसके बाद में इसको चटनी के ऊपर तड़के को डाल दूँगी, इससे चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अभी मैंने नारियल और इसमें भुना हुआ चना और कड़ी पत्ता, धनिया, हरी मिर्ची सब पीस के एक पेस्ट बना दी हूँ। इसके ऊपर मैं तड़का लगा रही हूँ, आप अपने हिसाब से जाड़ी पतली बना सकते हो। पुडला और नारियल की चटनी बनके रेडी हो गई है। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।